चलिए दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर आपके लिए आ गया हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस हफ्ते काफी सारे बढ़िया स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च हुए हैं और दोस्तों ये सिलसिला अगले हफ्ते भी जारी रहने वाला है। अगले हफ्ते भी दोस्तों बेहतरीन फीचर्स वाले 5G स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाले है। फिर चाहे वो सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो या IQ क्यों ना हो, इन सभी कंपनी के दोस्तों बेहतरीन स्मार्टफोन भारतीय बाजार में अगले हफ्ते लॉन्च होने वाले हैं। तो दोस्तों आइए इन अपकमिंग स्मार्टफोन पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर दोस्तों आप एक 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं जिग्नेश, आप देख रहे हो कैमचोटेक। चलिए शुरू करते हैं। IQ007 स्मार्टफोन 26 अप्रैल को भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों ये 5G स्मार्टफोन है जिसमें आपको Qualcomm का Snapdragon 870 5G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में 66W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 48MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलने वाला है जो दोस्तों IMX598 सपोर्ट के साथ आता है। हाल ही में ओप्पो कंपनी ने अपना सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन ओप्पो A74 5G स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है जो दोस्तों 17,990 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आता है। इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग के साथ ही कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगले हफ्ते 27 अप्रैल को भारतीय बाजार में कंपनी अपना A53S स्मार्टफोन को उतारने जा रही है जो दोस्तों एक 5G स्मार्टफोन है जो आपको 15,000 के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों कंपनी ने MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर का यूज किया है। यह स्मार्टफोन दोस्तों आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ देखने को मिलने वाला है। यह स्मार्टफोन दोस्तों हाल भारतीय बाजार में मौजूद ओप्पो के A53 का ही एक अपग्रेड वर्जन माना जा रहा है। सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन 28 अप्रैल को भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको Qualcomm का Snapdragon 750G 5G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। यह स्मार्टफोन दोस्तों इन्फिनिटी यू डिस्प्ले के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 4GB रैम और 128GB फ्रंट स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 बेस आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें दोस्तों 64MP का प्राइमरी कैमरा होने वाला है। पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 6000 MAh की दमदार बैटरी देखने को मिलने वाली है। अगला अपकमिंग स्मार्टफोन है दोस्तों Vivo V21 5G जो दोस्तों 29 अप्रैल को भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों ये Vivo V20 Pro 5G का ही अपग्रेड माना जा रहा है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको सेल्फी के लिए 44MP का कैमरा देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों रियर साइड आपको 64MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन को कंपनी 8GB रैम और 128GB फास्ट स्टोरेज के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। यह स्मार्टफोन दोस्तों आपको 3 कलर ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में देखने को मिलने वाला है जो है दोस्तों सनसेट डेजल, दूसरा है डस्क ब्लू और तीसरा है व्हाइट। इसके अलावा भी दोस्तों काफी सारे स्मार्टफोन अगले हफ्ते भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर दोस्तों आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।